हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एएसपी क्लासेस अगेन। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास इलेवेंथ का चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो कि मोशन क्या होता है। अपने यूनिवर्स में कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज़ हो, वो क्या है, ना तो वो मोशन में है ना वो रेस्ट पे है। सभी के सभी जो वस्तुएं वो क्या है, मोशन में, और सभी के सभी क्या है, रेस्ट में है। लेकिन कैसे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में। ठीक है, तो देखो हम शुरुआत करते हैं, पहले हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन से। कि देखो मोशन जो होता है वो क्या होता है, कि मोशन इज ए कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। एक तो क्या होता है, कॉमन होता है यूनिवर्स के अंदर, जैसे हमारा चलना, उठना, फिरना, भागना, दौड़ना, ये सभी क्या होते हैं, मोशन होते हैं। लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, जैसे अगर हमारे घर के बाहर अगर कोई पेड़ लगा है, ठीक है, तो वो पेड़ को अगर हम देख रहे हैं तो वो पेड़ कैसे है, रेस्ट पर है। लेकिन अगर हम उस पेड़ को सूरज की नज़रों से देखें, मतलब मान लो हम सूरज पर बैठे, फिर अगर उस पेड़ को देखें, तो हमें वो पेड़ भी किस में दिखेगा, मोशन में दिखेगा। इसीलिए बोला जाता है कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़, ना तो वो क्या है, रियल में मोशन में है, और ना ही क्या है, रेस्ट पर है। ठीक है, इसका रीज़न आपको बता दिया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो कि वी वॉक, हम चलते हैं, वी रन, दौड़ते, राइड, बाइसाइकिल, साइकिल चलाना, ठीक है, इवन वी आर द स्लीपिंग, जब हम सोते हैं तब भी हमारे अंदर क्या होता है, एक मोशन होता रहता है। एयर मूव्स, जो हवाओं का चलना होता है, इनटू आउट ऑफ अवर लंग्स, ठीक है, लंग्स के अंदर ब्लड फ्लोज, जो हमारे खून का क्या होता है, फ्लो होता रहता है। ठीक है, इन एट एज द वेनिस वी सी लीव्स फॉलिंग, मतलब पत्तों का गिरना, ये सभी क्या होता है, मोशन में होते हैं। ठीक है, तो हम इस जो चैप्टर है इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन के अंदर जो मोशन होता है उसके अंदर पढ़ेंगे। देखो मोशन तीन टाइप के होते हैं, एक तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है। अब स्ट्रेट लाइन के मोशन के मोशन का मतलब क्या होता है, देखो एक बार इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा, कि मैं आपको 1D 2D और जो 3D इसमें मोशन होता है वो कैसा होता है। देखो कि अगर हम ये, मैंने कोई क्या ली है, मान लो ये कोई रोड है, सिंगल क्या है, कोई सिंगल रोड है जिस पे और किसी का आना जाना नहीं है, सिंगल रोड है मान लो। ठीक है, तो इस सिंगल रोड पे अगर यहाँ कोई गाड़ी जाती है, तो वो गाड़ी कैसे मोशन करती है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, क्योंकि उसके लिए ना तो कोई वाई एक्सिस है, ना जेड एक्सिस है, ओनली क्या है, एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्स के, अगर एक्स एक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही मोशन में चलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, 1D मोशन बोलते हैं। वैसे ही अगर हम किसी प्लेन के अंदर, मान लो कि कोई ऐसे मान लो कि कोई वस्तु है, कि जैसे कोई चींटी है, चींटी को अगर हम किसी प्लेन के अंदर छोड़ दें, तो वो कहाँ जाएगी, ऐसे घूमते 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 पूरे प्लेन के अंदर जाएगी। तो वो जो मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है, 2D मोशन होता है। और अगर वैसे ही अगर हम किसी मक्खी को या किसी पक्षी को छोड़े पूरे आसमान के अंदर, तो वो आसमान में ऊपर भी उड़ेगा, वो पेड़ों के ऊपर भी बैठेगा, और वो ग्राउंड पर भी आएगा। तो इस मोशन को क्या बोलते हैं, इस मोशन को बोलते हैं 3D मोशन। ठीक है, तो देखो हमारे जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स के अंदर मोशन के बारे में पढ़ाई होती है, मैकेनिक्स में जो बहुत टाइप की होती है, लेकिन हमारे जो काम आएगी 11th क्लास में, उन उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो पहले क्या होती है, स्टेटिस्टिक्स, इसमें क्या होता है, उसमें उस ब्रांच की स्टडी की जाती है जो जिसमें जो पार्टिकल होते हैं वो कहाँ होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो रेस्ट पर होते हैं, रेस्ट पर और मोशन पर। इसके आगे क्लियरली और बात करेंगे, लेकिन स्टेटिस्टिक्स में उस ब्रांच की स्टडी होती है जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, रेस्ट पर होता है। वैसे ही काइनेमेटिक्स में हम इस चैप्टर के बारे में, पूरी 11th में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काइनेमेटिक्स हो गया, डायनेमिक्स हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो काइनेमेटिक्स में क्या होता है, कि इसके अंदर हम मोशन के बारे में पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके रीज़न जानने की कोशिश नहीं करते। रीज़न हम किस में पढ़ते हैं, डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। उसके जो कोज होते हैं, जो कारण होते हैं, वो किस में पढ़ेंगे, डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में किसकी पढ़ाई होती है, देखो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो उसकी स्टडी करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, विदाउट टेकिंग इन अकाउंट ऑफ फैक्टर्स लाइक नेचर ऑफ फोर्सेस, उसका नेचर जाने बिना, कि उसमें कैसा बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है, ठीक है, उसका नेचर जाने, उसकी ये ऐसा कुछ भी हमें जानने की जरूरत नहीं है, कि उसके अंदर कौन सा बल लगा है, अभिकेंद्रीय बल लगा है या गुरुत्वीय बल लगा है, ऐसा कुछ भी इसमें जानने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हम क्या पढ़ते हैं, एक मोशन की स्टडी होती है, कि मोशन कहाँ से लेकर कहाँ तक हो रहा है और किस पर हो रहा है, बस इतना ही स्टडी हम इसमें करते हैं। आगे जो इसके रीजन जाने जाते हैं वो किस में पढ़ते हैं, डायनामिक्स में पढ़े जाते हैं, जो हमारा चैप्टर क्या आएगा, अगला 4th आएगा। ठीक है, तो देखो इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन विद द टेकिंग इनटू अकाउंट फैक्टर लाइक ए नेचर और
फोर्सेस, जिसके अंदर हम नेचर के बारे में पता करेंगे और फोर्सेस के बारे में भी पता करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं रेस्ट और मोशन क्या होता है। देखो पहले हम पढ़ते हैं कि मोशन के टाइप, देखते हैं कि तीन टाइप के मोशन होते हैं। एक तो क्या होता है रेक्टिलिनियर मोशन, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, कौन सा, स्ट्रेट लाइन के अंदर, किसके अंदर, जो हम स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ रहे हैं वो मोशन, ठीक है, वो कौन सा मोशन होता है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है। दूसरा मोशन कैसे होता है, एक तो सर्कुलर होता है और दूसरा रोटेशनल मोशन होता है। अब सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि रोटेशनल जो मोशन होता है, जैसे देखिए ये एक रिंग है, ठीक है, अगर इस रिंग के अंदर ये इसका क्या है, एक सेंटर पॉइंट है, तो ये जो रिंग है ये अगर अपने चारों तरफ ही सेंटर पॉइंट के चारों तरफ अगर घूमती है तो इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। क्या बोलेंगे इसको, रोटेशनल मोशन, क्यों, क्योंकि ये अपने सेंटर के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अपने जो कक्ष है उस कक्ष के क्या करती है, चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। सूरज के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है, लेकिन वो अपने अक्ष पर होती है, उसका जो अक्ष होता है उसी के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, रोटेशनल मोशन होता है। अगर हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़े तो देखो ये जो हमारा मोशन होता है कि किसी एक्सिस से, ये एक्सिस से अगर हम दूर जाते हैं डिस्टेंस पे और फिर अगर हम उसको ऐसे घुमाते हैं तो ये जो मोशन होता है ये कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। तो डिफरेंस समझ में आया, सर्कुलर मोशन और रेक्टिलिनियर रोटेशनल मोशन में, मोशन में, तो जो रोटेशनल मोशन होता है वो कैसे करता है, जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है किसके, सूरज के चारों तरफ, लेकिन किस पे लगाती है, अपने एक्सिस पे लगाती है, वो कौन सा मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा। लेकिन अगर सर्कुलर मोशन के बारे में देखें तो सर्कुलर मोशन है वो अपने एक्सिस से दूर जाकर, किससे, अपने एक्सिस से दूर जाकर, और जो मोशन होता है इस मोशन को क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में, इसके बाद में आता है ऑक्सीलेटरी मोशन, इसके बारे में हम सब जानते हैं। अगर इसी में हम देखें तो देखो अगर इसी वस्तु को, इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसे घुमाएं कि हमने जहाँ से छोड़ा वहीं पे ये क्या आ जाता है, वापस आ जाता है, तो इस मोशन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। और वाइब्रेशन मोशन, इसके बारे में आप सबको पता है कि हमने स्प्रिंग भी देखी है, हमने जो अपने जो पियानो गाने बजाने के आते हैं जिनमें अगर हम ऐसे करें तारों को तो वो जो वाइब्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन मोशन बोलते हैं। तो मोशन बहुत टाइप के होते हैं, अपने यहाँ तीन है और हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है स्ट्रेट लाइन के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखो पहले हम पढ़ते हैं कि रेस्ट और मोशन ये क्या होते हैं। तो देखो रेस्ट पर मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या नहीं होता, रेस्ट पर नहीं होता है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। जैसे देखो कि मान लो कोई ट्रेन है, ट्रेन के अंदर डब्बे के अंदर पांच या छह लोग बैठे हैं, तो वो जो लोग बैठे वो लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहाँ हुए, रेस्ट पर हुए। लेकिन अगर डब्बे से बाहर अगर हमें कोई देख रहा है, रेलगाड़ी जब चल रही है और हमें कोई देख रहा है, तो हम उसको किस में लगेंगे, मोशन में लगेंगे, ठीक है। तो वहाँ रेलगाड़ी भी मोशन में होती है और जितने भी लोग उसमें बैठे होते हैं वो भी क्या होंगे, मोशन में होंगे। लेकिन अगर हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखें तो वो क्या होती है, रेस्ट पर होते हैं, ठीक है। जैसे देखो कि अगर आप किसी रूम में हो या क्लासरूम में हो तो जो आपका बैग है या आपका बेड है या आपकी बुक्स है वो आपको कहाँ मिलते हैं, रेस्ट पर मिलते हैं। लेकिन अगर हम कहीं और से देखें उसको कि हम सूरज से ऊपर जाकर देखें तो हमें क्या मिलेगा, पृथ्वी अगर घूम रही है तो वो सारी वस्तुएं, वो सारे ऑब्जेक्ट कहाँ होते हैं, मोशन में होते हैं, ठीक है। तो देखो इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, क्या हुआ था, डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, अपनी पोजिशन में क्या नहीं करता, कोई चेंज नहीं करता है टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ क्या नहीं करता, चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जब अपनी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होता है, एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सेड टू बी द इन रेस्ट, तो उसको क्या बोलते हैं कि मोशन किस में हो रहा है, रेस्ट में हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा मोशन जो टाइम के हिसाब से अपनी जो पोजीशन है उसको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जैसे हम साइकिल पे जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग अपनी जो पोजीशन है उसको क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है। आज मैं यहाँ हूँ, थोड़ी देर बाद में मैं जब स्कूटी चलाकर जाऊँगी तो मैं घर पहुँच जाऊँगी, तो मेरी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई अकॉर्डिंग टू टाइम। तो वो क्या होता है, मोशन होता है, क्योंकि मैंने क्या किया, मोशन किया, ठीक है। स्कूल में जब बच्चे खेलते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, ठीक है। रेस्ट में क्या होता है कि टाइम के अनुसार चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब देखो हम पढ़ते हैं पॉइंट मास के बारे में। पॉइंट मास क्या होता है, पॉइंट मास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसके बारे में, जिसके लिए ये चैप्टर चलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ जो मास मिलेगा वो सभी मास कैसे होंगे, पॉइंट मास होंगे। अब पॉइंट मास कैसे होते हैं कि वो किसी के रिस्पेक्ट में किसके बराबर होते हैं, पॉइंट के बराबर होते हैं,
ठीक है, जैसे हम इनफाइनाइट पे कोई डिस्टेंस फिक्स करते हैं, तो हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से अगर इनफाइनाइट पे डिस्टेंस अगर हम लेंगे तो वहाँ जो हमारी पोजीशन है वो क्या होती है, पॉइंट मास के लिए होती है। ठीक है, जैसे देखो हम खली को देखते हैं, खली का वेट कितना ज़्यादा है, उसके सामने अगर हम छोटे से बच्चे को रखें तो वो बच्चा उसके लिए क्या है, पॉइंट मास है, क्योंकि अकॉर्डिंग हम वेट को अगर क्या करें, कंपेयर करें, तो उसका उसका जो बच्चे का जो वेट है वो खली के वेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, बिल्कुल से नए के बराबर होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, पॉइंट मास होता है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ ड्यूरिंग मोशन इन ए गिवन टाइम इट कवर्स डिस्टेंस मच ग्रेटर देन एट ओवर साइज। ये तो मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया वो वेट के लिए था। मोशन के लिए क्या होगा, जैसे कोई जैसे साइकिल है तो साइकिल का वेट है वो कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो 10 किलो। ठीक है, अब जो साइकिल है वो अपने साइज़ के अनुसार, मान लो उसका साइज 1 मीटर होता है, 1 या 1.5 मीटर होती है साइकिल, तो अगर साइकिल का जो 1.5 मीटर है वो 1.5 मीटर के अनुसार अगर वो 5 किलोमीटर की दूरी चलती है तो वो साइकिल का जो मास है वो क्या हो गया, वहाँ पे जो उसकी दूरी थी वो क्या हो गई, पॉइंट मास हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किसके, कि हम 5 किलोमीटर इतनी दूर जाएंगे तो उसके लिए जो साइकिल का जो मास था वो क्या हो गया, पॉइंट मास हो गया। समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, रेस्ट में मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। तो देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जिसमें हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो क्या, एक तो ऑब्जर्वर की जो हमें देख रहा होता है, दूसरा टाइम की, वो टाइम चाहे घड़ी हो या स्टॉप वॉच हो, कुछ भी हो सकता है, तीसरा उस वस्तु की जिसे हमें चलाना है। ठीक है, तो देखो अगर फ्रेम में क्या होता है कि मान लो कि यहाँ कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है, यहाँ कोई क्या खड़ा है, कोई बच्चा खड़ा है, अब अगर उसको कोई वस्तु, यहाँ कोई खिलौना देखना है तो वो उसके लिए क्या करेगा, पहले उसको देखेगा, तो ये तो क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, ये जो डिस्टेंस हो गई ये क्या कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है 3 चीज़ों की। देखो, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए सिस्टम ऑफ ए कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच टू कैन बी ऑब्जर्व हैविंग ए क्लॉक विद रिस्पेक्ट विच द ऑब्जर्वर कैन बी डिस्क्राइब द पोजिशन। जो ऑब्जर्वर क्या करता है, उसकी पोजिशन को डिस्क्राइब करता है कि वो कहाँ रखी हुई है और कितनी दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका, एक्सेलरेशन एटसेट्रा इन मूविंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे देखो हम क्या लेते हैं, ये जो हमारा ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और ये क्या होता है, जेड एक्सिस होता है। तो ये क्या होता है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। लेकिन हमें यहाँ सिर्फ, हम यहाँ किसके बारे में पढ़ेंगे, ओनली स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ेंगे मोशन, तो हमें सिर्फ एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, वाई और जेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो आपको समझना होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, हम पढ़ते हैं कि इनर्शियल फ्रेम, फ्रेम है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अब इसमें क्या होता है, देखो, देयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट, जब कहाँ होते हैं, रेस्ट पर होते हैं, और मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। मान लो कि मैं स्कूटी से जा रही हूँ, तो मेरी स्कूटी की जो स्पीड है वो कितनी है, 20 किलोमीटर है। ठीक है, 20 किलोमीटर की स्पीड से मैं चल रही हूँ। ठीक है, तो मेरे जो साथ अगर मेरा कोई दोस्त स्कूटी चला रहा है, तो अगर उसकी स्पीड भी क्या है, 20 किलोमीटर है, तो वो मेरे कंपेयर रिस्पेक्ट में क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, देखो, स्पीड इज सेड टू बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है, न्यूटन्स लॉ के बारे में आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में इतना ध्यान नहीं देना अभी। तो न्यूटन्स लॉ आर वैलिड इन दिस फ्रेम, क्योंकि न्यूटन्स जो लॉ है वो इसके लिए क्या होता है, वैलिड होता है। और इसमें जो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की, वो किस पे होती है, या तो रेस्ट पे होगी, या क्या होगी, कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी या स्पीड जो भी है उसके क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी। ठीक है, अदर ऑब्जेक्ट के। दूसरा हम पढ़ते हैं नॉन इनिशियल फ्रेम, इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्पीड होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। स्पीड क्या हो रहती है, इसमें क्या रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड रहती है, और इसमें नॉन यूनिफॉर्म रहती है। क्या रहती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट मींस कि वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं, नॉट वैलिड होते हैं, क्या होते हैं, नॉट वैलिड, और इसके लिए क्या होंगे, न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप सबको पता है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, हम उसको और अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो देखो, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, कि द क्वांटिटी विच ओनली पॉसेस
मैग्नीट्यूड बट नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन. जब उनके पास क्या नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं कि मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया. अब डिस्टेंस कैसे क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई, इसके पास मास कैसे नहीं है, इसके पास सॉरी डायरेक्शन कैसे नहीं है, तो वो हम क्या करेंगे आगे समझेंगे. ठीक है, तो जो मास हो गया, टाइम हो गया कि 2 kg है, 4 kg है, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इनमें क्या नहीं होती, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है. ठीक है, ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है. जैसे स्केलर कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, हम इनको क्या कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइडेड भी कर सकते हैं, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ एलजेब्रा. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम इसको, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, और डायरेक्शन की ज़रूरत किस में नहीं पड़ती, मास में, टाइम में और डिस्टेंस में. ठीक है, आगे देखो दूसरी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा कि आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है. इसमें आपको डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए. ठीक है, तो देखो द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड प्लस वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर. क्या बोलते हैं उसको, वेक्टर बोलते हैं. जैसे वेट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, वेक्टर कैन नॉट बी एडेड. इनको क्या नहीं किया जा सकता, ऐड नहीं किया जा सकता, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई, ये ऐसा कुछ भी इनका नहीं होता है. तो इसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, और इसमें ओनली आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, आगे देखो अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. देखो डिस्टेंस आपको इसमें दिख रहा है कि डिस्टेंस तो क्या होता है, इस टाइप का, अगर हमने किसी से क्या बना रखा है, डिस्टेंस, तो उसमें क्या नहीं होता, आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, जैसे देखो अगर मैं यहाँ से चली, ठीक है, मैं यहाँ से चली 2 मीटर, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ गई 3 मीटर, फिर मैं वापस आई, कितनी चली 4 मीटर, मैं वापस इधर आई, मैं चली 5 मीटर, तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 + 3 + 4 + 5, तो कितने हो गए, 3, 2, 5, 5, 10, 4, 14, तो कितने हो गए, 14 मीटर. ये मेरी क्या निकल गई, डिस्टेंस निकल गई. तो डिस्टेंस में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, जितनी दूर अगर आप चले उस सबको क्या कर दो, ऐड कर दो. ठीक है, तो मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और ये जितनी जितनी दूर मैं चली उसको क्या कर दिया, सबको ऐड कर दिया. तो ये क्या होती है, डिस्टेंस होती है, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है. आगे देखो द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड व्हेन वी ट्रेवल, हमने जो ट्रेवल किया उस पाथ को अगर हम कवर करते हुए चले तो वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है. ठीक है, आगे देखो ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है. इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर होती है. ठीक है, और इट कांट बी जीरो, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो जीरो हो ही नहीं सकती. अगर हम नहीं चल रहे हैं, मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं नहीं चल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी डिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब है कि मैं रेस्ट पर हूँ. अगर कोई वस्तु अपनी जगह से नहीं हिल रही है तो इसका मतलब है कि वो वस्तु कहाँ रखी हुई है, रेस्ट पर रखी हुई है. इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकती. जीरो कैसे होगी, जब वो वस्तु चलेगी तभी तो उसकी कुछ डिस्टेंस निकलेगी, अगर वो चलेगी नहीं तो वो क्या हो गई, रेस्ट पर हो गई. ठीक है, तो इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, मीटर होती है, और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती. ठीक है, आगे देखो अगर हम बात करें किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे जो छोटा पॉइंट होता है, जो हम शॉर्टकट बोलते हैं, जो हमारा शॉर्टकट का जो रास्ता निकालते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. ठीक है, देखो देखो मैं इसको यहाँ समझाती हूँ एक बार. देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि मैं यहाँ से चली, मान लो कोई बच्चा यहाँ से चला 2 मीटर, ठीक है, और वापस इधर आया, वापस फिर यहाँ गया, ठीक है, फिर वापस नीचे गया, वापस यहाँ आया और यहाँ से चला, ठीक है, और फिर वापस यहाँ आ गया. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जहाँ से हमने शुरू किया उसका जो इनिशियल पॉइंट, उसका कौन सा पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और उसका फाइनल पॉइंट, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है. इस चीज़ को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जिसको बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, कि हमने कहाँ से चलना शुरू किया और कहाँ ख़त्म हुए, उन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है. और डिस्टेंस किसको बोलते हैं, कि हमने जहाँ जहाँ ट्रेवल किया
हमने क्या किया, जहाँ जहाँ ट्रेवल किया, जहाँ जहाँ जिस पाथ पर हम लोग चले, जिस पाथ को हमने कवर किया, उसको क्या बोलेंगे, कम्प्लीटली अगर हम उस दूरी को क्या करें, ऐड करें, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट अपना जो इनिशियल पॉइंट होता है वहाँ से लेकर अपना जो फाइनल पॉइंट होता है वहाँ की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, दोनों की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, सेम होती है, मीटर और मीटर। ठीक है, देखो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, और ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डायरेक्शन की ज़रूरत कैसे पड़ेगी, यहाँ आके अगर ये पॉइंट रुका तो हमने क्या मापी, ये डिस्टेंस नापी। अगर ये पॉइंट यहाँ एंड हो जाता तो हम कैसे नापते इसको, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये किस, इसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इसमें डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, मीटर होती है। और ये क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। अब ये ज़ीरो कैसे हो सकती है, देखो देखो, इसके ज़ीरो होने का रीज़न है कि मान लो कोई बच्चा यहाँ से चला, ठीक है, और वापस यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ज़ीरो। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक चली और मैं वापस यहीं आ गई, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या निकला, ज़ीरो। क्योंकि मैं जहाँ से चली मैं वहीं क्या आ गई, वापस आ गई, तो मेरे ना तो मेरा इनिशियल पॉइंट है ना ही मेरा फाइनल पॉइंट निकला, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, अब हम क्या लेते हैं, तीन चार केस लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, तीन चार केस लेते हैं। जैसे देखो, किसके लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। मान लो ये मेरा कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, और ये मेरा कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। तो मान लो मैं यहाँ से 3 मीटर चली, तो मेरा जो डिस्टेंस है वो क्या हुई, मेरी जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, 3 मीटर हो गई। ठीक है, दोबारा देखो कि अगर मैं ए से लेकर बी पॉइंट तक 3 मीटर चली और बी से सी पॉइंट तक मैं चली 2 मीटर, तो मेरी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई। यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस क्या होती है, जो पाथ मैंने ट्रेवल किया पूरा जो कवर किया, तो 3 मीटर प्लस 2 मीटर कितनी निकल गई, 5 मीटर। ठीक है, पहले डिस्टेंस के लिए देखते हैं। यहाँ देखो, ए पॉइंट से 3 मीटर चली, ये कौन सा आ गया, बी पॉइंट, और सी से 2 मीटर चली, तो मेरा डिस्टेंस क्या निकला, डिस्टेंस निकला 5 मीटर। ठीक है, ऐसे देखो, अगर ए पॉइंट से लेकर 3 मीटर और बी से सी पॉइंट तक अगर मैं चली, तो ये जो मेरा पूरा जो मैंने ट्रेवल किया, ठीक है, ये कितना चला, 2 मीटर, तो डिस्टेंस क्या निकली, 5 मीटर। क्या निकली, 5 मीटर। अब ये देखो कि अगर मैंने यहाँ से चली मैं ए पॉइंट से, ठीक है, और बी पॉइंट तक 3 मीटर चली, और यहाँ आके मान लो मेरा सी पॉइंट है, यहाँ मैं चली 1 मीटर, तो मैंने कहाँ तक ट्रेवल किया, 3 मीटर प्लस 1 मीटर, तो मेरा डिस्टेंस क्या निकली, डिस्टेंस निकली 4 मीटर। ठीक है, अगर मैं ऐसे देखूँ, हमारे जो स्कूल में बच्चे जाते हैं घूमने के लिए क्लास से बाहर, और फिर कहाँ जाते हैं, पूरी स्कूल में घूम के और फिर कहाँ आते हैं, वापस आते हैं, तो मान लो ये 3 मीटर, ये 2 मीटर चली मैं, यहाँ 1 मीटर चली, ये 2 मीटर चली, ये 1 मीटर, और ये 1 मीटर, तो ये टोटल मेरी डिस्टेंस कितनी निकल गई, अगर मैं निकालूँ तो 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10, कितना हो गया पूरा, 10 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस जितना हम ट्रेवल करेंगे वो जो कंप्लीट डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसको क्या कर लो, ऐड कर लो, तो क्या निकल जाएगी, डिस्टेंस निकल जाएगी। और इसमें हमें किसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पॉइंट होता है। तो देखो, यहाँ तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक निकलेगा। ठीक है, इस पॉइंट में देखो, अगर हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट, और ये हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट। तो ये हमारा क्या निकलेगी, ये जो निकलेगी वो क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। वहीं देखो, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ऐसा कुछ क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट, ये क्या निकलता है, डिस्प्लेसमेंट निकलता है। अब देखो, अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकाले तो कहाँ से निकालेंगे, ये हमारा फाइनल पॉइंट नहीं होगा, हमारा फाइनल पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे सी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वापस आकर कहाँ रुके, सी पर। तो हम जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वो ए से सी के बीच का निकालेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा इनिशियल पॉइंट है और यहाँ हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम निकालें तो हमारा जो शॉर्टेज डिस्टेंस आएगी वो कुछ ये आएगी। तो
तो समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस, ठीक है। इनकी ऐसा यूनिट दोनों की क्या होती है, सेम। कैसी होती है, मीटर। जैसे देखो जितनी भी क्या हो रही है ये डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, जो हम ट्रेवल कर रहे हैं वो सभी क्या होती है, अपनी डिस्टेंस होगी। जहाँ जहाँ हमने क्या किया, ट्रेवल किया, जहाँ जहाँ हमने क्या किया, ट्रेवल किया, तो वो क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। और जो शॉर्टेस्ट दूरी थी वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो स्पीड हम सबको पता है हमारी बाइक की और उन सब की स्पीड हमने देखी है कि कितने पर किलोमीटर होती है, ठीक है, स्पीड को पता है। लेकिन वेलोसिटी और ये क्या होती है, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। देखो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट क्या होती है, पर यूनिट पे, ठीक है। इट्स ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। पहले तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। क्योंकि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस भी क्या, एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी क्या, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी। और इन सभी में डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम चलते हैं, ठीक है, तो हमारी जो स्पीड होती है 10 किलोमीटर होती है, 5 किलोमीटर होती है, वो क्या होती है, स्पीड, एक उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो वैसे ही क्या होती है, कैलकुलेट हो जाती है, हमें दिख जाता है कि हम कितने किलोमीटर पर की घंटा की स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कैसी हुई, डिस्टेंस की यूनिट हमने पीछे देखी है क्या होती है, मीटर होती है, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड होती है। तो या तो इसको मीटर पर सेकेंड लिख दो या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स लिख दो, ठीक है, एक ही बात होती है। वेलोसिटी में देखो, वेलोसिटी में क्या होती है, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ जो बोले होती हैं, क्या होती है, यहाँ जो बोल है ये सभी अपने अपने पाथ पर और एक ही डायरेक्शन में क्या हो रही है, जा रही है, फ्लो हो रही है, ठीक है। इनकी क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है, उनकी क्या होती है, क्या एक डायरेक्शन होती है। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम तो क्या होता है, वेलोसिटी होता है, और डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम क्या होता है, स्पीड होता है, ठीक है। अगर ये कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो आप देख सकते हैं कि इसमें किसकी जरूरत पड़ रही है, डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, तो ये चैप्टर हम क्या करते हैं, यही एक बार रखते हैं, इसको आगे कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।